हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तेज़ी से रिकवर नहीं हो रहा है डियर। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 16 जून के सुबह का है ये। 16 जून नहीं, ये 7 जुलाई, पता नहीं मैं क्या बोल देती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। 6 जुलाई के सुबह का है नज़ारा। और ये बाबू स्कूल की तैयारी कर रहा है, ये स्कूल जाएगा। मम्मी बालकनी से देख रही है कि इसकी गाड़ी आए कि नहीं। और मेरी बेटी का आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं, रो रही है। तो मैं वीडियो शूट भी अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ मैं। और जब तक इसकी गाड़ी आएगी, ये गेम देख रहा है, और इसीलिए वीडियो शूट भी करती हूँ तो एडिट करके डाल नहीं पा रही हूँ डियर, क्योंकि 21 दिन में इसका छठी का रस्म रखे हैं। और ये बाबू की गाड़ी आ गई है, अब बाबू जाएगा स्कूल और मम्मी इसको नीचे छोड़ने जा रही है। मेरी बेटी का आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे, इसको चुप कराना ज़रूरी है। इसीलिए तो यहाँ पे बाबू तो स्कूल के लिए निकल गया। काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 8 जुलाई को इसके छठी का रस्म रखें, और कुछ थोड़ा सा टेंशन भी चल रहा है परिवार में, कभी आपको बताएंगे डियर। अभी तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, मम्मी लोग है सुनेगी तो क्या सोचेगी। और यहाँ पर बाबू को टिफ़िन देने के बाद मम्मी नहा कर आ गई है, और यहाँ बना रही है वो नाश्ता, पूड़ी और भुंजिया। मैंने भी सोचा यही नाश्ता खा लूँ। लोग कहते हैं डिलीवरी के बाद शुद्ध घी खाया जाता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा निकला। मुझे नहीं पता था पूड़ी वगैरह नहीं खाया जाता है। बाबू का नाभि पूरा पक गया ये पूड़ी खाने से, मुझे इसका आइडिया ही नहीं था। जबकि मेरा बेटा हुआ था तो मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि अब इसका 6 साल भी हो जाएगा। और अब मम्मी के जाने की जो बात हो गई है ना डियर, बहुत मैं घबरा गई हूँ, डर गई हूँ कि अब कैसे मैं क्या करूँगी, कैसे बाबू को संभालूँगी। रूम भी चेंज करने की बात है, एक साथ बहुत बहुत समस्या आ गई है डियर। आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करना चाहती तो यहाँ पर हाँ, ये मॉर्निंग शिफ्ट अभी करा लिए हैं, क्योंकि कुछ सामान वगैरह लाना था। पहले तो प्रोग्राम था कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर हम लोग प्लान किए हैं। जब दीदी आने का वाली हुई, दीदी को भी कोई पहुँचाने वाला नहीं था, कौन लाता। मेरे जीजाजी का थोड़ा सा बड़ा बिजनेस है पूर्णिया में, और उसको छोटा छोटा बच्चा है, 4-5 बच्चा है। बेटी तो बड़ी वाली बड़ी है। उसके बाद जो दीदी का बेटा है, मेरी शादी के साल हुआ है, यानी कि 9 साल का हो गया, लेकिन थोड़ा सा वो डिसेबल है, न चल लेता है अब, लेकिन बोलता वगैरह नहीं है। उसके बाद फिर 2 बेटी है और 1 बेटा है। लास्ट वाला बेटा ऑपरेशन से हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना वो बेटा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर भी वो 4 बच्चे को लेकर किसी और के साथ, मतलब अपनी गुतनी के भाई के साथ आने का सोच रहे थे, तो गुतनी का भाई वही बच्चा वगैरह संभालने की बात के कारण इग्नोर कर रहा था, इनकार कर रहा था कि नहीं जा पाएंगे। फिर हमने भी फ़ोन किया कि मेरी बेटी को पहनाएगा कौन काजल, कोई पहनाने वाला नहीं है। लास्ट में हम लोग डिसीजन लिए कि जो काम करती है उन्हीं से पहनवाएंगे, लेकिन पंडित जी भी मना किए, नहीं ये सही नहीं होगा, अपने गोत्र का लोग पहनाता है। तब किसी तरह जीजाजी दीदी को तैयार किए हैं। पहले तो यही उधेड़ बुनता, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, क्योंकि पहुंचाने वाला ही तैयार नहीं था। लेकिन अब ये तय है कि वो आ रही है। तो और बाकी विशेष लोगों को, जब वो तैयार हो गए, फिर इनकी मौसेरी बहन भी एक है, उनको भी कहे हैं, बाकी किसी लोगों को नहीं कहे हैं। और उसके बाद फिर भी ये सोचें क्या कि हलवाई वगैरह बैठेंगे, तो कुछ ऑफिस के लोगों को कह देते हैं। तो देखते हैं डियर कैसे क्या कर पाते हैं। 8 जुलाई को इसका छठी का रस्म रखे हैं, छठी होना ज़रूरी है। मम्मी भी जाने को एकदम तैयार है, कैसे अब मैं क्या संभालूंगी डियर। तो आप लोग भी अपना आशीर्वाद मेरी बेटी के लिए बनाए रखिएगा। और यहाँ पर खाना पीना सब कुछ होने के बाद, नाश्ता वगैरह होने के बाद, ये शाम का टाइम है, तो मम्मी ये जीरा का बना रही है। जीरा मंगरेला ये सब का बनते रहता है, बनाया जाता है परसौत को देने के लिए। तो ये जीरा का मम्मी दूध गुड़ काजू किशमिश सब दे के बना रही है, और ये काफ़ी मतलब जिसको बनाने नहीं आता है तो टेस्टी नहीं बनता है, लेकिन मम्मी ऐसा बनाती है। इसको खाने से कहा जाता है कि दर्द वगैरह कम होता है, लेकिन मेरा दर्द ही कम नहीं हो रहा है। कमर में तो इतना दर्द, जबकि मालिश वगैरह सब करा रही हूँ डियर, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए चलना मुश्किल है। इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं ला पाती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। डियर जो चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अपने अपना जो आशीर्वाद है, जो दुआ है मेरी बेटी के लिए बनाए रखिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करिएगा मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ। और मेरी बेटी रो नहीं रही है, खेल रही है, ये आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे ये खेल रही है। तो आज तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज 7 जुलाई है, तो दीदी लोग अभी पूर्णिया से चली नहीं है, तो वो लोग जब पहुँचेगी मुझे लगता है रात हो जाएगा। तो बहुत सारा काम भी है,
देखिए अब क्या कुछ हो पाता है। मैं कर तो लेती हूँ, किचन भी मैंने कल से मेटा थोड़ा सा कर तो लेती हूँ, लेकिन फिर कम पूरा दर्द होने लगता है शरीर में, कमर वगैरह में दर्द होने लगता है, तो डर डर के करती हूँ डियर, रिकवर नहीं हो पा रही हूँ। और यहाँ पर लगभग ये बन गया है जीरा वाला, तो आप लोगों में से कौन कौन ये खाए हैं जिसको बेबी हुई है, और कौन कौन जानते हैं कि ये बनता है। गोंद का भी लड्डू बनाने के लिए मैंने बहुत सारा सामान मंगाया ऑनलाइन, सब कुछ वो सब भी शेयर करना है आप लोगों के साथ। और कुछ कपड़ा वगैरह भी आ गया है, और किराना का सामान, जैसे कि जो भी अपना भोज भात होगा, जो भी पार्टी होगा, भी अपने ऑफिस के लोगों को बोले हैं डियर अब तो एक्टिव होना पड़ेगा, बाकी घर में विशेष लोगों को, ससुराल वालों को तो किसी को नहीं कहे हैं। और बाबू के जो बाबा हैं मेरे ससुर जो हैं वो मुंबई चले गए, उनको बिकोला हो गया, मेरे देवर आने वाले थे लेकिन मेरे हस्बैंड मना किए हैं कि नहीं अभी मत आओ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा फ्लाइट से, छोटा मोटा ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे हम आप लोग समझ सकते हैं कि इस दौर से हम लोग अभी गुजरे हैं। और यहाँ पर मम्मी पनीर का सब्ज़ी बनाने जा रही है, तो वही टमाटर वगैरह पीस रही है, बिना लहसुन प्याज का बनेगा, क्योंकि जब तक छठी नहीं पूजा आता है तो हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उसमें भी पितर को ही पूजा जाता है। तो 6 दिन में नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर 9 दिन में होता है, फिर 12 दिन में, और फिर 21 दिन में, 21 दिन का हम लोग रखे हैं। हिम्मत थोड़ा सा हार रहा है क्योंकि बिल्कुल मेरे हस्बैंड अकेले हैं करने वाले, कोई इनको मदद करने वाला नहीं है, नीचे ऊपर करना, नीचे ही टेंट लगा है। तो डियर इसीलिए आप लोगों के साथ थोड़ा व्यस्त रहते हैं, वीडियो भी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो डियर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और दीदी लोग भी आने वाली है, देखते हैं आती है नहीं आती है, कैसे क्या होता है, तो सब कुछ मैं शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को इंजॉय नहीं, मैं रोज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ वीडियो, मैं रोज़ शेयर नहीं कर पा रही हूँ डियर, लेकिन मुझे लगता है सीधा छठी के ब्लॉग में ही मिलूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बन रहिएगा इस चैनल के साथ। बाय बाय।